जय मालकंदे, जय मालकंदे, जय मालकंदे। होर सुनाओ की हाल है तुहाडा सारिआं दा? सारे ठीक हो, खुश हो? चलो मालक तुहानू इदां ही तंदुरुस्ती भी देन, खुशियां भी देन, कामयाबी भी देन, और जीवन चो हर सुख हर वो शह मालिक तुहाडी झोली पाण जिसकी भी तुहानू अज और आने वाले समय च जरूरत है। सो अज तुसीं सारे जीव इत्थे पहुँचे हो। इस तो पहला कि अज का सत्संग शुरू करिए, सो यही क्योंकि हुणे ही अनवर और सनी बेनती करके गए कि मां बे दरबार की जो कमेटी है कि वो सारे सेवादार सारे मैंबर आई हुई सारी संगत का या जिहड़े देसां परदेसां च बैठे इस वेले ऑनलाइन भी जुड़े हुए या वैसे भी मालकां नाल प्यार करते हैं, ये दरबार की कमेटी वालों सारिआं नूं सब तो पहला तो बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ऐसे भी दिलों क्योंकि देखिया जो तो लाइन लगी सी तो सारे जीव आके कह रहे थे मालको हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, यानी हर एक जीव कह रहा सी। हुण कल्ले कल्ले नूं एडी उच्ची बोल के जवाब देना सानू हो सकता अगले नूं ना सुनाई दिंदा होवे, पर जिन्हां ने भी सानू कहा जां पहुंचे हुए सी अपने दिलों प्रेम नाल असीं उन्हां नूं भी शुक्रिया कहिंदे हां, शुक्रिया तुहाडा आउण दा, तुहाडा थैंक यू कबूल हैप्पी बर्थडे कबूल करन दा, क्योंकि तुसीं बड़े प्यार नाल आए हो और ये तुहाडा प्यार है कि तुहाडी मुहब्बत है कि अज तुसीं इस दिन ते इत्थे पहुंचे हो। तो सब तो पहला असीं भी दिलों तुहाडा स्वागत करदे हां अज इस दिन ते पहुंचण ते, और तुहाडा प्यार देख के तुसीं तां खुश हो ही, तुहानूं खुश देख के सानूं भी बड़ी खुशी हो रही है। बाकी बहुत जीव ऐसे है जिन्होंने परदेसां च बैठे क्योंकि और बड़ा दरबार नाल प्यार करते हैं, तुसीं सारे जीवां ने क्योंकि हुणे बच्चे कह के गए हैं कि मालको कि सानू बोलना नहीं आता जां साडे तो बोल नहीं होना, क्योंकि इदां तुसीं राजू नूं देख लिया अज पहली बार बोलिया, वो बड़ा डरदा डरदा क्योंकि उहदा दिल अंदरों कितना धक धक कर रहा सी सानू पता है, पर फिर भी उन्हें बड़ी हिम्मत करके अपने दिल दियाँ जो भावनावां सी तुहाडे तक पहुँचाइया। और असीं एक गल कहांगे जो दिल च कोई भावना होंदी ना बोल दिया करो, फिर संगया ना करो डरिया ना करो, क्योंकि अभ्यास कर करके ही इंसान हर चीज़ विच की हुंदा फिर मुकम्मल हुंदा है, क्योंकि अभ्यास कर करके बंदे नूं वो जो अंदर झाका हुंदा एक डर हुंदा बंदे का दूर हुंदा है, और बंदा अपनी भावनावां इसे तरह क्योंकि एक गल याद रख्या करो ये सारा परिवार है साडा, और अपने परिवार के सामने अपने दिल की गल करना कोई उत्थे शर्म की या डर की गल नहीं होनी चाहिए, उत्थे दिल खोल के गल करिए, और गल जदों अपने मालिक की उस्तत की होवे सिफत की होवे तो फिर शर्म का दी संग का दी डर का दा फिर तो दिल खोल के अपने मालिक का गुणगान करिए। सो बहुत जी परदेसां च बैठे जिन्होंने क्योंकि बच्चों दसिया कि उन्होंने अज दे इस प्रोग्राम दे विच बड़ा बढ़ चढ़ के सहयोग दिता है, इस करके उन्हां जीवां नूं भी ऑनलाइन देख रहे हैं साडे वल्लों और सारी संगत की तरफों बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत मुबारकबाद, मालक उन्हां ते भी रहमत रखन, उन्हां नूं भी खुशियां रहमतां बरकतां नाल भरपूर करन, तां कि बेशक इस वेले परदेसां च बैठे है पर उत्थे बैठे अज उन्हां दी हाजरी मालक दे चरणां च लग रही है, तो मालक अपनी कृपा दया मेहर हर मैंबर ते बनाए रखन और आने वाला समा उन्हां वास्ते भी कामयाबी सफलता खुशियां भरिया होवे। मालकां नाल प्यार करन वाला परिवार है जो इस वेले कनेडा च बैठे है कि वो उत्थे बेशक बैठे है पर मालकां नाल बड़ा प्यार करते हो, एक तो वह भी सारी संगत नूं बहुत बहुत बधाई भेज रहे है ये जन्मदिन की क्योंकि बहुत बड़िया रहमतां उन्होंने भी हासिल कीतियां है, बेशक बैठे उत्थे है पर वो दरबार नूं संगत नूं क्योंकि जब भी उन्हां दी बेनती साडे कोल आउंदी है तो हमेशा एको ही गल कहिंदे कि मालको असीं दरबार की कामयाबी मंगदे हां और दरबार ते आने लई संगत की कामयाबी मंगदे हां और सब का भला मंगते हैं कि मालिक सब नूं भरपूर करके भेजन, देखो बैठे उत्थे पर उन्हां दी सोच कितनी बड़ी है। सो अज उन्होंने बहुत बड़ी रहमत अपनी झोली पवाई है, इसलिए उस परिवार को भी असीं बहुत बहुत बधाई देवांगे मुबारकबाद देवांगे, और ये कहांगे क्योंकि इसलिए ऑनलाइन देख रहे हैं कि बैठे बेशक तुसीं इत्थे हो पर मालिक की रहमत मालिक का आशीर्वाद तुहाडे तक उत्थे पहुँच रहा है। सो सारी संगत दीआं दुआवां मालिक की रहमत हमेशा तुहाडे नाल है, एक बार उस परिवार वास्ते जोरदार ताड़ी वजा दिओ क्योंकि जो कोई प्रेम नाल कुछ करता है तो फिर कहण की लोड़ नहीं होंदी। देखो अज आनंद लै रहे ना सारे, असीं आनंद आ रहा कि नहीं, हाले तो शुरुआत होनी है क्योंकि ये मालिक का घर है, इतों आनंद झोलियाँ भर के ही अज जाना है।
सो इस तो पहला कि सत्संग शुरू करिए, आकोश जीवा ने बेनतियां कीतियां है कि मालका ने रहमत की है कि मालक जरूर संगत को दसन। सो असी जल्दी जल्दी दसांगे। एक जीव है जसवीर कौर हुशियारपुर जिहड़ी अज बच्चे लैके आया मत्था टिकाण वास्ते, वह जीव कित्थे आ जरा खड़ जाण उठ के। जसवीर कौर हुशियारपुर, क्योंकि लिखते हैं कि जय मालकां दी जय मालकां दी जय मालकां दी। मालक जी, मैं जसवीर कौर हुशियारपुर की रहन वाली शिमला पहाड़ी दे कोल, क्योंकि हुशियारपुर में एक शिमला पहाड़ी पैंदी उहदे कोल इन्हां दा घर है, मैं शिमला पहाड़ी दे कोल रहन वाली हाँ। मालक जी, मैं तुहाडे दरबार ते आई, आके फरियाद कीती, न्याज दित्ती, ते मालको डॉक्टरां ने मैनू जवाब देता सी, मेरे 12 साल हो गए सी शादी नूं, पर मेरे कोई औलाद नहीं सी। डॉक्टरां ने जवाब देता सी कि तू मां नहीं बन सकती, पर जदों मैं दरबार ते आके बेनती कीती, न्याज दित्ती, तो मालक दी इन्नी रहमत होई कि मालक ने मेरी झोली खुशियां नाल भर दित्ती, मेरी फरियाद पूरी कर दित्ती। अज मैं बच्चे नूं गोद च लैके आई हाँ मत्था टिकाण वास्ते। एक कड़े जीव है जसवीर कौर शिमला पहाड़ी हुशियारपुर, जे कितें खड़े आ तो हथ खड़ा कर दिओ। ओ देखो इधर खड़े है, जरा हथ कर दिओ इधर ता कि संगत नूं पता लग जाए, हथ उच्चा कर दिओ। हाँ, सो इन्हां ने दस्सिया कि डॉक्टर ने साफ जवाब दे दिता सी कि तेरे औलाद नहीं हो सकती, पर मालकां दे चरणा च आके बेनती करन नाल ही, न्याज देन नाल ही मालक की बहुत रहमत हुई और मालकां ने झोली भर दित्ती। और जे बच्चे नूं बच्चा गोद च देख रहे हो तुसीं, अजे मत्था टिकाण वास्ते लैके आए हैं। चलो आने वाला समा होर भी तुहाडे वास्ते खुशियां भरिया होवे। मालक की रहमत, मालक का आशीर्वाद हमेशा नाल है, क्योंकि दारे ही गौंस दा जिथे 12 साल डुबे वेड़े। इसलिए असीं हमेशा कहीदा कि हजूर दीआं मिसालां बहुत दरबारां ते दित्तियां जांदियां है, क्योंकि तुसीं किसे भी दरबार ते जाओगे, खास करके पीरां फकीरां दे दरबार ते मिसालां देणगे कि हजूर ने 12 साल दे डुबे वेड़े लाए जां हजूर ने इस तरह कीता। तो असीं कहिंदे तुसीं अपनी मेहनत करो कि अज भी उह करके दिखाओ, कि अज भी पता लगे कि जो हजूर ने कीता सी अज भी उन्हां दा दरबार और सब कुछ अज भी उन्हां दे दर ते हो रहा है, खाली झोलियां अज भी भर रहीआं है, अज भी इंसान दीआं मुश्किलां दे हल हो रहे हैं। इस करके मालिक दा दर है, अगर विश्वास नाल आए हो तो फिर टेंशन फ्री होकर बह जाओ, बस अपने मालिक दे भरोसा रखो, आने वाला समा तुहाडे वास्ते खुशियां कामयाबी सफलता भरिया जरूर होएगा। और एक छोटा जिहा बच्चा, उसने लिखिया, मालिक जी मैं समीर हाँ। ये समीर कित्थे है, जरा उठ के खड़ जाए, क्योंकि इन्हें लास्ट में लिखिया, मालिक जी मेरी चिट्ठी संगत में जरूर पढ़ियो। ये छोटा जिहा बच्चा सी, कित्थे समीर? ओ खड़ा सामने समीर, ऐदा तो कर दे हाथ, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐदा हिला दे थोड़ा जहा। मालक जी मैं तुहानू बहुत ज़्यादा प्यार करता हाँ, हैप्पी बर्थडे मालक जी, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया जी, तुसी सानू इन्ना प्यार करते हो। मालक जी मेरी चिट्ठी संगत में जरूर पढ़ियो, जय मालकां दी। लै भी समीर पढ़ दित्ती, असीं भी तैनू बहुत प्यार करते हैं। बस इन्नी कि इहदी भावना सी। चलो बैठो हुण। एक जीव है, मालक जी मैं 11वीं वाले दिन दरबार से आई सी। ये है जसविंदर भोली, पिंड बड़िंग जलंधर। अच्छा, तुहाड़ी बेनती है ये जी, इन्हां दी बेनती है। सामने जीव खड़े है, ये देखते कि मालक जी मैं 11वीं वाले दिन दरबार से आई सी, मेरा नाम जसविंदर आ ते मैं आंगनवाड़ी च काम करती हाँ। मैं छुट्टी लैके दरबार आ गई सी, पिछों बड़े अफसर आ गए ते वर्करा ने कहा, कह दिता कि जसविंदर तो अज छुट्टी दे है। अफसर कहिंदे कि जसविंदर तो अंदर बैठी आ, तुसीं कितना कहिंदे हो कि छुट्टी दे है। मालक जी उन्होंने बाद च आप ही मेरी हाजिरी लगा दिती, मैनू नहीं पता ये सब किदा होया, बहुत वड्डी रहमत सी तुहाडी मेरे मालक जी, तुहाडा बहुत बहुत शुक्र है मेरे मालक जी। चलो मालक दे घर च आया सी तो मालक नुकसान थोड़ी होण देना है, क्योंकि इत्थे घाटे की गुंजाइश नहीं, वधदे जांदे नफे। और मुरशद दे चरणा च मिल आगे मिलते हैं इंसान खुलम खुले। अज गफे लैके जाना कि नहीं तुसी भी? कहना कहना लैके जाना, फिर कह दिओ रहमत आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। और वाकई आनी है, अगर प्यार विश्वास नाल दिल दे दरवाजे खोल के बह जाइए तो मालक की रहमत जरूर आती है। चलो ये भी हुणे जीबा ने पकड़ाई है फरियाद, परमजीत कौर पिंड टांडा जिला हुशियारपुर, ये इत्थे इस वेले
जरा खड़जन परमजीत कौर पिंड टांडा जिला हुशियारपुर। मालिक जी मैं एक हफ्ता पहला बेनती की थी जो आपकी कृपा नाल पूरी हो गई है। मालिक जी मेरी है कि जी उठ के खड़ जाए, जरा खड़े पिछे। परमजीत कौर पिंड टांडा, चलो इन्हों की बेनती दस देंगे हैं कि कहते मैं बेनती की थी हफ्ता पहला इन्हों की नौ गर्भवती खड़े है, किड़े जीव है जरा हथ खड़ा कर दियो। अच्छा वो खड़े पिछे, ठीक है। सो जीव लिखते हैं कि मेरी नौ जो लास्ट टाइम चल रहा सी गर्भवती सी, तो जो लास्ट टाइम आया तो हालत ज़्यादा खराब हो गई। असी उसनू लैके टांडे के हस्पताल गए, पर टांडे के हॉस्पिटल वाले जवाब दे दिता कि माँ या बच्चे की हालत गंभीर है। फिर आप हुशियारपुर पहुँचे, रैफर कर दिता, तो फिर हुशियारपुर तो भी सानू जवाब मिल गया। जो डॉक्टर ने जवाब दिता तो फिर सानू अमृतसर भेज दिता, यानी टांडे तो हुशियारपुर, हुशियारपुर तो अमृतसर, और सारे दस दी हालत बड़ी सीरीयस है। पर फिर मालिक जी ऐसी बेनती की, जो फरियाद की न्यास की, तो मालिक की इन्नी रहमत हुई कि मेरी नौ भी और बच्चा भी बिल्कुल ठीक है और नॉर्मल पैदाइश हो गई, और मालिक की कृपा ना साढ़े घर बेटा होया है। एक न्यास की बेनती करन दे नाल ही मालिका ने साढ़े बच्चों का संकट टाले और साड़ी नौ और पोते की जान बचाई, और मालिका ने सानू खुशियां दित्तियां। सो मालिक जी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, सारी संगत नू जरूर दस देना, जय मालिका दी। और लिखते असी बच्चे का नाम भी साहिब ज्योति रखिया है। अच्छा साढ़े नाम दे, क्योंकि कहिंदे साहिब ज्योत ने बचाया तो साहिब ज्योति नाम रख दिता। चलो मालिक वो बच्चे की लंबी उम्र करन, कि जिते तीन हॉस्पिटल ने जवाब दे दिता, पर देखो मालिक के घर चो किसी जवाब नहीं मिलता, इत्थे सब दियां झोलियां भरिया जांदियां। सो विश्वास नाल जिथे याद करूंगे मालिक की रहमत उत्थे कह दियो जरूर पहुँचेगी, क्योंकि गल सारी प्यार दी है, गल सारी विश्वास दी है। इसलिए आओ हुण, और दूसरा एक पहले ही दस दईए, क्योंकि सेवादार बार बार बेनती करते हैं कि अज कहिंदे मालिका जन्मदिन ते तुसी आए हो, तो सत्संग तो बाद एक रहमत तुहाडे वास्ते तैयार की है, सारे लैके जाना प्रसाद रूप च, ठीक है। इतने दो ही पासे सत्संग तो बाद सेवादार खड़े होंगे, आके प्रसाद लैके जाना, रहमत लैके जाना, याद रखना तुसें, कोई बिना प्रसाद तो ना जाए। सो आओ फिर हुण तैयार हो, टाइम काफ़ी हो गया है, इसलिए आओ हुण जिन्ना भी समा इस सत्संग नाल सुरती जोड़िए और मालिक की रहमत प्राप्त करके अपना जीवन सफल बनाइए। जय मालिकां दी, जय मालिकां दी, जय मालिकां दी, जै मालिकां दी।